300 से ज्यादा पेड़ों के हत्यारे व दर्जनों मोर व सांपों की हत्या करने वाले हत्यारों के सर पर अब कलंक बढ़ता जा रहा है। अब वन विभाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन भू माफिया शंकर सेठ, राजीव ब्रजवासी गैंग व डालमिया गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी में। आप सोच रहे होंगे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? अगर आपको याद होगा कि सलमान खान को काले हिरन के मामले में सजा सुनाई गई थी, वो इसी धारा में सुनाई गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि इन भू माफियाओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। डालमिया वाला मामला है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे एक वृंदावन छठीकरा क्षेत्र में डालमिया ट्रस्ट करके एक जगह है, वहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे 18 तारीख की रात को पेड़ काटे गए हैं। वो प्राइवेट एरिया है, उसमें ही पेड़ काटे गए हैं और बगल में जो संरक्षित वन है वहाँ पे भी कुछ वृक्षों का डाल हुआ है। और इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक FIR दर्ज की गई है जैत थाने में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। इसके अलावा H2 केस विभागीय केस भी इजरा किए गए हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी एक विभागीय केस इजरा इसमें किया गया है। इसके अलावा जांच समिति बनाई गई हैं जो कि फर्दर एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जैसे और लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं उन सब पे कार्रवाई करने के लिए कठोरतम कार्रवाई इसमें की जा रही है। और ये बड़ा घृणित और निंदनीय अपराध इन्होंने किया है और इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर फिलहाल इसमें क्या चल रहा है, क्या जांच चल रही है? इसमें एक तो पुलिस भी अपने स्तर से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो विभागीय केस जरा हुए हैं उनमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। CCTV फुटेज और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बताना चूँकि उचित नहीं है, इससे जांच प्रभावित होगी। बाकी इसमें जो नामजद अपराधी हैं उनके विरुद्ध और उनसे और कोई कनेक्शन हो सकता है उन सब के विरुद्ध। सर बात करें कि जमीन है वन विभाग इसे अपने अंदर में ले गए या क्या है? जमीन चूँकि ये वन भूमि नहीं है इसलिए इसके संबंध में रिलीवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पत्राचार किया जा रहा है कि इसमें इनके मंसूबे सफल ना हो पाएँ जिस उद्देश्य उन्होंने किया है उसके लिए अपने जो उनके नियम हैं प्राधिकरण वगैरह के उनके कठोरतम कार्रवाई ये करें। उसमें इस तरह मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके अलावा और भी कोई आरोपी बताए जा रहे हैं क्या, वो सामने आएंगे? अभी इन्वेस्टिगेशन में जो जो अपराधी या जो जो कनेक्शन सामने आते जाएंगे उन सबको जो जांच अधिकारी हैं वो उसमें लेंगे और उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। मथुरा